Hey guys, what's up? So today we're going to discuss a very important topic that is called as Indochina War of 1962. It's a very important and historical event जो हमारी हिस्ट्री में हुआ है एंड हमें सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में ताकि वी कैन लर्न lessons फ्रॉम इट. ओके, दिस प्रेजेंटेड बाय मी रोमन सैनी. इफ यू फील दीज कोर्सेज आर हेल्पिंग इन एनी वे, डू शेयर इट एंड डू रिकमेंड इट. सो लेट्स रीड दिस स्टेटमेंट. द चाइनीज गवर्नमेंट हैव ट्राइड टू डिल्यूड अस बाय प्रोफेशंस ऑफ पीसफुल इंटेंशंस. Even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends. For the first time after centuries, India's defense has to concentrate itself on two fronts simultaneously. Can you people guess correctly who made these statements regarding China? आप guess करके तो देखो, ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि ये war के बाद हुए थे. नहीं, these statements were made in 1950 when we become a republic by a legend called as Sardar Vallabh Bhai Patel. A few weeks before his death, in a letter he wrote to Nehru regarding China's intent and attitude towards India. अगर इनको पढ़ के तो देखो यार, ऐसा लगता है कि पता नहीं बंदे ने पहले 12 साल पहले ही predict कर लिया था. It is a very big contradiction to the narrative that we had a very good relationship with China. हम दोस्त थे independence से, हम allies थे against Western imperialism and colonialism. इससे ये तो पता चलता है कि एक बंदा तो ऐसा था कैबिनेट में जो इतना एस्ट्यूट था कि ही कुड सी द फेक इम्प्रेशन दैट चाइना वॉज ट्राइंग टू पुट अप एंड द वे दे आर ट्राइंग टू फूल एवरीबडी इंक्लूडिंग आर प्राइम मिनिस्टर. तो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमें बस यही बताया गया है कि चाइना हिंदी चीनी भाई भाई और मतलब उसका मजाक बना दिया, पीठ में छुरा भोंक दिया, ये सारी चीज़ें बोलते हैं. बट इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज. जस्ट रिमेंबर देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. ठीक है, आज आपका दोस्त हो सकता है, कल आपका दुश्मन हो सकता है, यही लाइफ में होता है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द टॉप 3 मिथ्स एसोसिएटेड विद दिस. इंडिया चाइना हैड ग्रेट एंड फ्रेंडली रिलेशंस बिफोर द वॉर हैपेंड. ये बिल्कुल गलत है. इफ़ यू एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट माओज लाइफ एंड देर वॉज एन इंसिडेंट कॉल्ड एज लॉन्ग मार्च ऑफ 1934. वैसे तो इररेलेवेंट है बट फिर भी आप पढ़ लेना अगर कभी पढ़ना चाहो तो आपको पता चलेगा कि माओ ज़ेडोंग ने सुनजू और उसकी जो वॉर आर्ट ऑफ वॉर बुक है वो अच्छे से पढ़ रखी थी. उसमें बस यही है कि ज़्यादातर एनिमी को डिसीव कैसे करो और ये सब. तो अब आप सोच रहे होंगे रेलेवेंट क्यों, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में. बट रिमेंबर द पंचशील एग्रीमेंट ऑफ 1954. इट्स स्टेटेड दैट द इंडिया एंड चाइना हैड लाइक एग्रीमेंट ऑफ पीस नॉन इंटरफेरेंस. बट क्या हुआ था, इस एग्रीमेंट से ज़्यादा फायदा चाइना को हुआ था. ठीक है, बिकॉज वी फॉर्मली रिकॉग्नाइज चाइनाज कंप्लीट कंट्रोल ओवर तिब्बत एंड वी ट्राइड टू फाइंड सिक्योरिटी थ्रू चाइनीज गारंटी ऑफ गुड बिहेवियर बट वी फेल्ड टू डिमांड इवन रेसिप्रोकेसिटी इन द एग्रीमेंट सच एज रिजॉल्विंग द बाउंड्री डिस्प्यूट इन रिटर्न फॉर रिकॉग्नाइजिंग चाइनाज कंट्रोल ओवर तिब्बत. सो बेसिकली हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब ये वन साइडेड था. ठीक है, सो इंसिडेंट एंड दीज स्टेटमेंट्स पोस्ट 1955 क्लियरली शो दैट बाई 1957 चाइना डिड नॉट वॉन्टेड एनी फ्रेंडशिप और जो थोड़ा बहुत प्रीटेंस था वो भी खत्म हो गया था. एंड दिस एग्रीमेंट इनेबल्ड चाइना टू रैपिडली मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री है ना एंड वी वर नॉट एबल टू एडिक्वेटली प्रिपेयर फॉर द वार्निंग दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल हैड प्रिडिक्टेड इन 1950. ठीक है, देन आर नॉल अलाइनमेंट एज फॉरन पॉलिसी केम टू आर रेस्क्यू एज वी रिसीव्ड एड फ्रॉम US एंड UK. ये भी बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि द फैक्ट इज दैट ओनली USA एंड UK हैड द विल द डिजायर रिसोर्सेज एंड द मीन्स टू डिलीवर टाइमली जो भी हमें एड्स चाहिए थी वॉर टाइम पे. बिकॉज द अदर पावर USSR वो तो अभी भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मतलब इट वॉज इन्वॉल्व इन दैट, इट वॉज रिकवरिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, सो बेसिकली नेशंस डू नॉट वर्क ऑन दी वेक नोशंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड एल्ट्रुइज्म. इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट. एंड जैसे ही हमने वेस्टर्न पावर्स से थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश करी, नाम वॉज इफेक्टिवली डेड. And the same can be said about the India-Soviet Treaty of Friendship. ठीक है, so it has been a common misconception that having a declared foreign policy of Nam meant we never ever solicited help from the Western powers. Third point is कि our armed forces did not perform well and fled. ये भी बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि our armed forces have been often maligned for the way they apparently retreated and gave up so easily. बिल्कुल ऐसा नहीं है. वैसे तो स्कोप में नहीं है डिस्कशन के, बट इफ़ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट ड्यूरिंग द वॉर, जिस तरीके की हमारी जो सिचुएशन थी और जिस तरीके के वो रिसोर्सेज थे, मतलब उन्होंने जो फाइट करी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइट थी. एंड दे हैड द मोटो बाय अ ब्रिगेडियर कि टू द लास्ट मैन एंड टू द लास्ट बुलेट. मतलब रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, प्रिपेयर्डनेस लेवल बहुत ही कम था, बट दे स्टिल शोड द मेटल एंड दे स्टिल फॉट एंड दे स्टिल गिव अप देयर लाइफ.
लेट सी. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मेजर कॉजेज बिहाइंड द वॉर. द फर्स्ट कॉज इज चाइनीज सिविलाइजेशन इटसेल्फ. ओके, बिकॉज दिट्स अ वेरी एक्सपेंशनिस्ट वन. तो थोड़ा चाइना के बारे में आपको बताता हूँ कि चाइना इज मतलब इंडिया के अलावा चाइना इज द ओनली सिविलाइजेशन विद कंटिन्यूटी. मतलब 1949 रिवॉल्यूशन तक तो मान ही सकते हो. मतलब जितना भी स्ट्रांग चाइना रहा है पूरी हिस्ट्री में लास्ट 2-3 हज़ार साल में, वो हमेशा एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं. ठीक है, मतलब दे हैव अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, सेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ शोविनिज्म एज कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज. एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द ओपियम वॉर्स ऑल्सो. एंड दिस इज ऑल्सो सीन इन जापान एंड जर्मनी. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज सोसाइटी हैं, दे डू नॉट लाइक आउटसाइडर्स. सो वाई तिब्बत? सो तिब्बत हैज़ बीन वन ऑफ द कोर इशूज इन द मैटर. इट वॉज ऑलवेज अ बफर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइना. एंड नाउ आफ्टर 1949 द जियो पॉलिटिक्स ड्रिवन बाय शार्प पोलराइजेशन बिटवीन टू कम्प्लीटली अपोजिट आइडियोलॉजीज, एक कैपिटलिज्म एक कम्युनिज्म है, एंड बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. सो माओ वॉज वेरी सस्पिशियस ऑफ द एंग्लो अमेरिकन डिजाइन फॉर दिस रीजन्स. मतलब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सस्पिशन था कि भाई हमारे अगेंस्ट ही होगा. कश्मीर इशू में भी जो यूएन ने हैंडल किया था उनको वो अच्छा नहीं लगा था. ठीक है, सो फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स माओ ने डिसाइड किया कि सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट यूएस एंड यूके, उसमें क्या होगा कि हम ही कंट्रोल कर लेते हैं, यूएस यूके क्या करेंगे. सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर तिब्बत. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिगार्डिंग तिब्बत इज दैट द लीडर ऑफ तिब्बत, मतलब वो क्या हो रहा था कि हैड अथॉरिटी ओवर नेफा. नेफा मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लद्दाख. जैसे पोप और वेटिकन का स्पिरिचुअल कंट्रोल होता है ना क्रिश्चियंस पे, वैसे तिब्बत का जो लीडर था उनका कंट्रोल था. सो दिस सॉर्ट ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, इसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है. सो बाय कंट्रोलिंग ल्हासा, ल्हासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत एंड दलाई लामा, चाइना ने सोचा कि दे कुड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर आवर नॉर्दर्न फ्रंटियर्स एंड ले क्लेम्स ऑन देम. ठीक है, सो दिस कुड लाइक प्रोवाइड देम अ लॉट ऑफ एडवांटेज फॉर द थर्ड कॉज. नाउ बाउंड्री डिस्प्यूट एंड मैकमोहन लाइन. सो लेट्स डिस्कस दिस. सो बाउंड्री डिस्प्यूट इन द करंट फॉर्म मे बी लाइक 1904 में यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन, इट वॉज सेंड बाय लॉर्ड कर्जन टू तिब्बत टू बेसिकली टू फोरस्टॉल एनी कोल्यूजन बिटवीन दलाई लामा एंड रशियन एजेंट्स. ठीक है, सो इट वॉज, यस इट वॉज, यू हर्ड दैट राइट, इट वॉज रशियन इन्फ्लुएंस एंड नॉट चाइनीज. सो बेसिकली देर वॉज अ ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट इन 1914 बिटवीन एट शिमला बिटवीन ब्रिटिश तिब्बत एंड चाइना. सो यहाँ पर दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए. चाइना एग्रींग नॉट टू कवर तिब्बत इन टू अ चाइनीज प्रोविंस बिकॉज चाइना वॉज टू वीक देन. एंड देर वॉज एन एग्रीमेंट रीच्ड आउट इन बिटवीन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत फ्रॉम भूटान ईस्ट वर्ड्स टू बर्मा. एंड दिस वॉज कॉल्ड एट द मैकमोहन लाइन. स्टिल इट इज इन डिस्प्यूट टूडे. सो वॉट चाइना क्लेम्स दैट इट हैड नेवर रेटिफाइड द शिमला एग्रीमेंट एंड द मैकमोहन लाइन इज अनएक्सेप्टेबल टू देम. And this forms the basis for their claims over Arunachal Pradesh, which they call Southern Tibet. But obviously, it is like an integral part of the India. There is no doubt about it. ठीक है, so as you can see, so this is Bhutan, this is Tawang, this is the Mekmon line. So basically, this is entire Arunachal Pradesh is undoubtedly India's territory. This is Brahmaputra's river, and this is Arunachal Pradesh. This territory is claimed by China. Okay, but it is absolutely illegal. Now let's see events up to the 1950s, up to the war. So first enter Tibet. So 1950 Chinese enter Tibet and Tibet appeals for help and we refuse them and advise them to negotiate a peaceful settlement. Now Nehru is advised against opposing China, and instead of being alarmed at the increasing threat on our northern borders, we enter into wishful thinking. हमें लगता है कि भाई ठीक है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, and we did not help Tibet that much. So strategic implications towards our security were completely missed, and it was a blunder of Himalayan magnitude by then. And in 1951, Chinese enter Lhasa, that is capital of Tibet, and start enforcing the 17-point agreement. It was made with Dalai Lama. ठीक है, they are like Chinese are literally the masters of deception and patience in this regard. Like this is not something I am saying. This was said by Mao in his writing, and also by Deng Xiaoping when we will come to later. ठीक है. So you must be thinking ki why am I telling you all this, because it is because of the fact that Chinese wanted to establish a very strategic road and communication line between Xinjiang and Tibet. So that is why, as you can see here, so this is road connecting Xinjiang and Tibet via Rodok. So that is why it was very important. The way to do that was cutting through the Indian territory of Aksai Chin, and due to the topographical nature of the region and few other feasible options were possible, so that is why it has to be done.
So, but China did not want to alienate India, so they like came with Hindi, Chini, Bhai Bhai, all these. So this culminated in the 1954 Panchil Agreement or Mutual Respect of Non-Interference. ठीक है, सो आपको पता ही होगा इसके पांच पॉइंट क्या हैं. एंड लाइक आफ्टर दिस पंचशील एग्रीमेंट, यू नो द बेस्ट पार्ट वॉज इंडिया डिड नॉट इवन नो दैट अ राउट वॉज बींग बिल्ट टिल द चाइनीज अनाउंस्ड इन 1957 दैट द रोड वॉज टू बी ओपन इन अ मंथ. सो अ रोड टू कैरी मिलिट्री लॉरीज हैड बीन बिल्ट इन आर टेरिटरी फॉर ओवर 3 years एंड वी डिड नॉट हैव अ क्लू अबाउट इट. सो लाइक दैट इज द मोस्ट सैडनिंग पार्ट अबाउट इट. तो we will continue this discussion in our next lesson and I'll finish this entire Indo-China war. Thank you for watching this. Have an awesome day. Hey guys, what's up? So we continue our discussion on Indo-China war and we were there when the Chinese were trying to make a route and we did not even know about it. Okay, so for like they were making for months and months, the road was to be opened in a month and then only we realized over 3 years they were building this route. Hame pata hi nahi chala. So that is a sad part about Sino-India war. And as I was telling you, this was a route they were building. So this is Karakoram Pass, as you can see here. This is Aksai Chin, which is a disputed area, which is claimed by China illegally. This is Xinjiang, which is a Chinese territory. And this is the route they were trying to build, which was going through the Aksai Chin so that they can connect their own territories. This is like the Jammu and Kashmir region of India. So this was the saddening part. So now we come to cartographical warfare. Cartography means maps, okay. So in 1958, once this route had been established, अभी established हो गई route, तो China क्या किया, cartographical war चालू कर दिया, मतलब maps publish करने लग गए, बहुत सारी large territory of India को Chinese दिखाने लग गए, मतलब this was very very outrageous on their part, यार बिल्कुल ही मतलब शर्म ही नहीं है कोई. Then Zhou Enlai, their premier, he said vaguely that the maps, they are basically the production of old maps, और जो areas जो survey होंगे properly, उसके बाद ही establish कर पाएंगे clearly correct boundary. तो मतलब चाइनीज तो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ना अपना स्टैंड यार, कि मतलब देवर पुटिंग प्रेशर, देवर गोइंग टू एक्सर्ट ऑन अस एंड देवर गोइंग टू क्लेम अ लॉट ऑफ टेरिटरीज फॉर देमसेल्फ. तो मतलब इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन कुछ हो नहीं सकता था बेसिकली. देन देर वॉज एन असाइलम इशू टू दलाई लामा हिज होलीनेस. सो देर वॉज एन असाइलम गिवन टू दलाई लामा आफ्टर चाइनीज क्रश द रिवोल्ट ऑफ 1959. तो रामचंद्र गुहा काफ़ी अच्छी बात बोलते हैं कि आफ्टर द असाइलम India stated that India has no intentions of interfering in the internal affairs of Tibet. Basically, हमारी कोई intention ही नहीं है Tibet में interfere करने के लिए. And though Dalai Lama will be accorded respectable treatment, मतलब उनकी respect पूरी करेंगे, he will not be allowed to carry out any political activity in India against China or for Tibet. So basically, मतलब but the issue ये होता है कि Article 19 में freedom of speech and expression होता है थोड़ा बहुत. India में क्या होता है कि आप easily government की policies को criticize कर सकते हो और government tolerate करता है. लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई क्रिटिसिज्म होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दो सिस्टम में, एक डेमोक्रेसी एक टोटलिटेरियनिज्म है. ठीक है, इट वाज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. तो चाइना को लगा कि अरे क्या हो रहा है, मतलब समझ रहे हो. सो हु स्टार्टेड अक्यूजिंग इंडिया ऑफ हेल्पिंग दलाई लामा एंड अंडरटेकिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया. आप समझ रहे हो कितना मेजर इशू हो रहा है यहाँ पे. सो बेसिकली अभी तक अगर मैं पूरा समराइज करूँ तो क्या हुआ, चाइना को तिब्बत चाहिए था. ठीक है, so China wanted Tibet, they got Tibet. India also said ki okay it's your territory. Then China wanted Aksai Chin to connect Tibet and Xinjiang. फिर चाइना हैड स्टार्टेड ओपनली डिस्प्यूटिंग द मैकमोहन लाइन जो मैंने कल आपको बताया था एंड डिक्लेयर दैट द बाउंड्री लाइन हैज टू बी रीडिफाइंड. आप समझ रहे हो. देन चाइना स्टार्टेड क्लेमिंग अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन एज इट्स पार्ट्स. अगेन वेरी वेरी बैड. एंड जो 3 साल से रोड बन रहा था हमें पता ही नहीं चला यार, मतलब इससे सैड बात क्या हो सकती है. देन चाइना हैड बीन हिंटिंग एट अ क्विड प्रो क्वो स्टेटमेंट वेयर जो जोन लाइन उनके प्रीमियर थे उन्होंने काफ़ी टाइम मतलब ये बोला कि मतलब चाइना वांटेड टू रिजॉल्व द बाउंड्री इशू पीसफुली. ठीक है, सो बिकॉज दे वांटेड कि इंडिया टू सीड द अक्साई चिन सो देम सो दैट तिब्बत जिनजियांग हाईवे वो बन सके एंड दे वुड ऑल्सो निगोशिएट एंड रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ इंडिया. सो दे वॉन्टेड अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट बना देंगे. बट दिस ऑफकोर्स लाइक वुड बी सीन एज बाइंग डाउन बिफोर चाइना. ओके, एंड आर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इट विल बी लाइक अ कम्प्लीट पॉलिटिकल सुसाइड फॉर एनी लीडर. सो 1950s में जब हम आराम से निगोशिएट कर सकते थे चाइना के साथ, बिकॉज देखो दोनों ही कंट्री पुअर थी. अभी तो पावर एसिमेट्री बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन 1950s में इंडिया और चाइना में कोई बहुत डिफरेंस नहीं था. बोथ वर पुअर, बोथ वर इमर्जिंग आफ्टर बींग एक्सप्लॉयटेड बाई द कॉलोनियल रूल. तो 1950s जो बेस्ट डिकेड था इस चीज़ को निगोशिएट करने के लिए, उसमें हमने निगोशिएट किया नहीं. हम आराम से अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को ले सकते थे अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल एप्टनेस होती, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट डू दैट.
So Indian government under domestic pressure, it chose to stick to the rhetoric of not even a single inch of territory will be negotiated upon. This was the line which they used. So rather than negotiating, कितने सारे leverage थे, आप तिब्बत, आप बोल सकते हो आपके पास तिब्बत है तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, आपके पास ताइवान इशू है, आपके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो सीट का इशू है, इतने सारे इशू थे, लेकिन हमने सारे इशू वन बाय वन दे दिए विदाउट नेगोशिएटिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम चाइना. एक बाउंड्री डिस्प्यूट तक हमने नेगोशिएट नहीं किया, हमने सब कुछ इस नाइव बिलीफ में दे दिए, मतलब जिसको नौसिखिया बोलते हैं कि हमें हमेशा पीसफुल नेबर रहे, कभी इंडिया चाइना में लड़ाई हुई नहीं है आज तक, और हिंदी चीनी तो भाई भाई है. तो बेसिकली इंडिया ये बात भूल गया कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का जो एरा है वो नेशन स्टेट का एरा है, जहाँ वेल डिफाइंड बाउंड्री लाइन्स होती हैं. अभी किंग और वो सब नहीं है कि लड़ाई होगी और बाउंड्रीज कीप शिफ्टिंग. एक बार अगर मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट आ गया तो वो 100 साल तक भी चल सकता है, जो अभी चल ही रहा है, बोथ विद लाइक पाकिस्तान कश्मीर इशू एंड द अरुणाचल प्रदेश इशू. एंड आर नंबर वन प्रायोरिटी शुड बी टू लाइक सॉर्ट दिस बाउंड्री इशू, बट लेकिन नाइविटी और आइडियलिज्म के चक्कर में हम ये नहीं कर पाए. ठीक है, नाउ 1961 में आती है फॉरवर्ड पॉलिसी. अब क्लियर हो गई सिचुएशन डोमेस्टिकली 1961 में कि यार पिछले 10 साल से चाइना तो बहुत प्रेशर डाल रहा है. सो प्रेस और जो डोमेस्टिक लोकल पार्टीज थी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गई, उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया कि कुछ करो, कुछ सेफ्टी करो, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सवाल उठ चुका है. तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी 1961-62 में, उसमें क्या किया, जितने भी डिस्प्यूटेड एरिया थे वहाँ पे 12-15 सोल्जर्स को भेज दिया विदाउट एनी लॉजिस्टिकल सप्लाई, विदाउट एनी रीइन्फोर्समेंट, विदाउट एनी रोड्स. तो क्या सिर्फ एयर पे कंप्लीट डिपेंडेंट होंगे, और अब कितनी बार एरोप्लेन फ्लाई करके जाएगा, आप समझ रहे हो. और दूसरी तरफ चाइना ने मोटरेबल रोड्स बना दिए, सप्लाई लाइंस बना दिए टू रीच टू इट ट्रूप ऑन द फ्रंटियर अगर वॉर हो जाए तो. सो अब चाइना बोल रहा है कि यार आपने फॉरवर्ड पॉलिसी करी है, तो इट वाज अ परफेक्ट कॉज फॉर चाइना टू रिटेलिएट. तो चाइना का जो ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट था वो था सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, फिर 1962 में क्या हुआ कि चाइना चोज टू स्ट्राइक एट द टाइम व्हेन वर्ल्ड वाज कन्फ्रंटेड विद अनदर मेजर स्ट्राइक, दैट इज कॉल्ड एज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 16 से 28 अक्टूबर 1962 में जो यूएसएसआर और जो यूएसए है उसके बीच में हुआ था. तो वहाँ पे क्यूबा में मिसाइल पोस्ट कर दी गई थी. ठीक है, इट वॉज अ वेरी वेरी टेंस टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड. सो अगर वो लॉन्च कर देते तो इट वॉट इट वुड हैव बीन कैटास्ट्रॉफिक कंप्लीटली, इट वुड हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. सो टू प्रिवेंट दैट, सो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो चाइना ने वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड थी दुनिया, तो साइनो इंडियन वॉर वॉज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 20th अक्टूबर टू 21st नवंबर, एक महीने चला था. ठीक है, चाइना हैड प्लान्ड इट रियली वेल, इट अमास्ड आर्मी एंड लॉजिस्टिकल सप्लाईज ऑन द बॉर्डर. इसके अलावा उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप्स भी बनाए थे 3000 प्रिजनर्स को पकड़ने के लिए. सो ये सब कुछ क्लियर कर देता है कि अटैक वॉज नॉट एट ऑल सडन, बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी. तो मतलब देर वॉज नथिंग अगेंस्ट, मतलब होना ही था, मतलब चाइना वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. एंड बेसिकली वी डू नॉट वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ वॉर, देन वी रियलाइज कि मतलब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज थी उन्होंने एडमिरेबली लड़ाई करी, क्योंकि ऑड्स बहुत ही अगेंस्ट थे उनके. एंड दीज आर नॉट माई पर्सनल वर्ड्स. ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस आप करोगे वॉर का तो आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी का मतलब काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड थी, और मतलब हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी चाइना की तरफ से थी. तो अब फिर फाइनली जो लास्ट स्लाइड है, लेट्स सी दैट, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, क्या हुआ. तो ऑब्वियसली हमारी लॉस ऑफ प्रेस्टीज हुई कि भाई इतना हार गए, वर्ल्ड वॉज शॉक्ड कि भाई हम इतने पॉलिटिकली इनएप्ट हैं, मिलिट्री कोलैप्स हो चुका है. ठीक है, सो चाइना की सुपीरियर सप्लाई लाइन्स थी, हमें विद इन डेज उन्होंने हरा दिया. कुछ रेजिस्टेंस था आर्मी का, लेकिन वो भी क्या करते बेचारे, मतलब इट वॉज कम्प्लीटली लाइक, मतलब हमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल आर्मी थी वर्ल्ड वॉर टू की, और वो बिल्कुल मतलब 20 साल में बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी एज कम्पेयर टू चाइना, रिलेटिवली स्पीकिंग. नाउ हमारी मॉरल अथॉरिटी भी एशियन स्टेट्स में काफ़ी कम हुई, कॉलोनियल पावर और इंपेरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट जो हमारी फाइट होती थी वो काफ़ी कम हुई, बिकॉज अब हमें रियलाइज हुआ कि देर आर नो पॉलिसीज बेस्ड ऑन नोशंस ऑफ फेलोशिप एंड किनशिप बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एशियंस. And it was also very clear that it was unwise to adopt a self-righteous attitude on every global issue, especially in the era of nation states where nation's national interest prevail above all else. So this is very very important, you need to realize कि हमें काफ़ी wake-up call मिला, और last 50 साल में हमारी foreign policy काफ़ी हद तक 1962 के war, हमारी army development उससे define होती है. Then non-aligned movement में हमने USA और UK से इतना तक बोल दिया कि यार कुछ bombers भेज दो Chinese के against, bomber squadrons were requested, arms aid, diplomatic support. So हमारी जो non-aligned movement की जो foreign policy है had to be put on hold. ठीक है, we were forced to pursue a realistic foreign policy rather than an idealistic foreign policy. It was aimed at our national interest, है ना, but नाम still continues.
देन थर्ड इज डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. ऑब्वियसली 1971 में हमने पाकिस्तानी वॉर में बिल्कुल उनको हरा दिया. बट वॉज बिकॉज 1962 वॉर में हमें रियलाइज हुआ कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक वेस्टर्न पावर्स पे भी डिपेंडेंट थी. उस टाइम पे उतनी प्लानिंग नहीं हुई थी. हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान कंप्लीट हुआ था लेकिन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंडिचर को सबसे नीचे लिस्ट में डाला गया था. तो इसका हमें बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ा था इस चीज़ का. एंड जो टू फ्रंट सिनेरियो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने मरने से पहले प्रेडिक्ट किया था वो सच हो चुका था कि चाइना और पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, देयर फ्रेंडशिप, आप समझ रहे हो. सो वी आर फाइटिंग ऑन वन एंड विद चाइना एंड अदर एंड ऑन द पाकिस्तान. इट स्टिल गोज ऑन टुडे एंड इट हैज बीन मोर देन 80 ईयर्स, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स सिंस सरदार वल्लभ भाई पटेल डाइड, 70 ईयर्स सिंस ही डाइड. सो इट इज़ अनदर कॉम्प्लेक्स इशू. इसको अलग से एक लेसन में मैं बताऊंगा कि चाइना पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स कैसे हैं. एंड द वॉर एंड द ड्रॉट्स दैट फॉलोड सून आफ्टर, एंड बेसिकली हमारा फेमाइन आ चुका था बिकॉज ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ द फेमाइन पे थे हमें, मतलब इट ब्रॉट द इंडिया टू द ब्रिंक ऑफ फेमाइन. बट फाइनली हमारी पॉलिसीज चेंज हुई ग्लोबल और नेशनल लेवल पे. हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोर्स हुआ. आर्म्ड फोर्सेज अब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है पूरी दुनिया में. 1971 वॉर में ही हमने हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने दिखाया. बहुत सारे वॉर्स हुए, सब में उन्होंने अपना मतलब मेटल दिखाया और सबको जो भी दुश्मन थे उनको हराया है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वी लर्न फ्रॉम 1962 वॉर इज कि नेशन इज़ रिलेटेड टू, जो भी हमारा वर्ल्ड रोल होता है किसी भी नेशन का, इट इज़ रिलेटेड टू पावर. अब दो तरह की पावर होती है, एक होती है इकोनॉमिक पावर, होती है मिलिट्री पावर. आप दोनों ही केस में पीछे नहीं हो सकते. जैसे रशिया की अभी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है. चाइना के केस में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, मिलिट्री कैचअप कर रही है. सो वी रियलाइज कि मॉरल अथॉरिटी कैन ओनली कम फ्रॉम पावर. तो इसका एक लाइन बोलूँगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनय विनीत सरल हो. ठीक है, इसका मतलब होता है कि उसी सांप को आप मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे जिसके पास मतलब विष है, उसको क्या जो मतलब ऐसे दंतहीन है, मतलब बेसिकली पावरलेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी पावरफुल इन योर लाइफ सो दैट पीपल रिस्पेक्ट यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव एन ऑसम डे.